तो इसमें उनकी वीडियोस भी आ सकती है जिनके डबिंग के नए चैनल हैं, जिनके चैनल पर सिर्फ 150 व्यूज़ आते हैं, उनकी वीडियोस भी इस सेक्शन में आएंगी तो लोग उनको देखेंगे। जितना ज़्यादा वो लोग उनकी वीडियोस पर क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल होंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं अतुल शर्मा टेक। तो दोस्तों, YouTube का एक बहुत ही कमाल का अपडेट आ चुका है उन लोगों के लिए जिनके चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक स्मॉल क्रिएटर हैं और आपके चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये अपडेट आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो अपडेट क्या है, उस अपडेट से आप लोगों को फायदा कैसे पहुंचेगा और इस अपडेट को YouTube क्यों लेके आया। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पर मिलती है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक करने से हमको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, हमको यह लगता है कि जो सामने वाला व्यूअर है उसको मेरी वीडियो देखने में अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में, उस अपडेट का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, इस अपडेट का नाम है न्यू टू यू। फ्रेंड्स, ये अपडेट YouTube ने लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले ही, इसको अभी सभी मोबाइल्स पर लॉन्च नहीं किया गया है। अगर आपको ये जो फीचर है अगर आपको अपने मोबाइल पर चाहिए, तो आपको अपने क्या करना होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, आपको अपनी ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो अपने ऐप को अपडेट कर लेंगे तो आपके सामने ये फीचर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि ये फीचर्स कैसे आता है और इस फीचर से आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको अपनी ऐप को अपडेट करना है YouTube की ऐप को, उसके बाद आपको अपना YouTube की ऐप को ओपन कर लेना। फ्रेंड्स, अपनी ऐप को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने आपके YouTube का होम पेज आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, आपको सिंपली अपनी जो YouTube की ऐप है उसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके सामने ये फीचर आ जाएगा न्यू टू यू। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात, जब आप अपनी YouTube की ऐप ओपन करते हैं तो आपके सामने वो सारी वीडियोस आ जाती हैं जिनके वीडियोस को आप देखते हैं, भले ही आपने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हो, भले ही आपने ना किया हो, आपके सामने वो सारी वीडियोस आ जाती हैं जिनकी वीडियोस को आपको देखना अच्छा लगता है। आपकी बेसिकली आपकी चॉइस, जैसी वीडियोस आप देखते हैं वैसी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपके सामने ये फीचर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ साइड में, देखिए एक्सप्लोर ऑल न्यू टू यू म्यूजिक लाइव कॉमेडी वायरल वीडियोस, यानी कि आपके सामने अलग अलग तरह के सेक्शन बने हुए हैं। तो अगर आप एक्सप्लोर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो वीडियोस आ जाएंगी जो वीडियोस पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रही हैं, हो सकता है ये हिंदुस्तान में हो सकती है, हो सकता है पूरे वर्ल्ड में हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियोस जो ट्रेंड कर रही हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियोस आएंगी जो आप भले ही देखते हो भले ही ना देखते हो। मान लीजिए आप देखते हैं ज़्यादातर कॉमेडी वीडियोस, पर जब आप ट्रेंडिंग सेक्शन ऊपर करेंगे तो आपके सामने वो वीडियोस आएंगे जो ट्रेंड कर रही हैं, हो सकता है वो गेमिंग वाली हो, हो सकता है वो कॉमेडी वाली हो सकता है वो गाने हों, तो आपको इनसे मतलब नहीं है, आपके सामने वो ट्रेंडिंग सेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो वीडियो देखना पसंद करते हैं, अगर आप सिर्फ वैसे ही वीडियो देखने जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप YouTube का की ऐप को ओपन करते हैं तो आपके सामने वो वीडियोस आती हैं जो आप देखते हैं, और कुछ वीडियोस वो भी आते हैं जिन जो वीडियोस आप देखते हो चाहे ना देखते हो, आपके सामने वीडियोस नई बन के आ जाती है, कोई नई वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। पर अगर जब आप इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं न्यू टू यू पर, तो आपके सामने सिर्फ वही वीडियोस आएंगी जो वीडियोस आप देखते हैं। अगर आपको कॉमेडी वीडियो देखना पसंद है, अगर आपको डबिंग देखना पसंद है, तो आपके सामने सिर्फ डबिंग की वीडियोज ही आएंगी। अगर आप कॉमेडी देखते हो तो सिर्फ कॉमेडी ही आएंगी। अगर आपको फैक्ट्स पसंद है, यानी मान लीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अगर आप ऐसी वीडियोज देखते हैं तो आपके सामने सिर्फ वैसी ही वीडियोज आएंगी। अब देखते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एक स्मॉल क्रिएटर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे पहला फ़ायदा देखिए क्या मिलेगा, आपने कोई वीडियो बनाई, आपका चैनल है डबिंग का, ये मान लीजिए आपका चैनल है टेक का, तो आपने कोई वीडियो बनाई, तो कोई आदमी जिसको YouTube पे वीडियो देखना अच्छा लगता है वो सिंपली सेक्शन पर क्लिक करेगा न्यू टू यू पर, तो उसके सामने वो सारी वीडियोस आ जाएंगी जिस कैटेगरी की वीडियोस वो देखना पसंद करता है। तो अगर आपने भी उसी कैटेगरी की वीडियो बनाई है जिस कैटेगरी की उसको देखना पसंद है, तो वो क्या करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आपकी वीडियो भी उस सेक्शन में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाई डबिंग की वीडियो, अब किसी को डबिंग बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा, वो इस पर क्लिक करेगा न्यू टू यू पर, तो उसके सामने मेरी वीडियोज़ भी आ जाएंगी, मेरी आ सकती है, मान लीजिए आप डबिंग बनाते हैं तो आपकी भी आ जाएंगी। तो इससे ये फायदा होगा कि जो स्मॉल क्रिएटर्स हैं जिनके चैनल पे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, उनकी वीडियोस भी इस सेक्शन में आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आपको फायदा मिलेगा कि जो चैनल जिनके बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ वही वीडियोस आएंगी जो देखता है। तो बेसिकली आप भी उसी कैटेगरी वीडियो बनाते हैं तो इससे आपके चैनल को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, सिंपल सा ये अपडेट था, इसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा जो लोग सिंपल कैटेगरी वीडियो बनाते हैं। देखिए, मैं बनाता हूँ डबिंग की वीडियोस, किसी ने क्लिक किया न्यू टू यू पर, तो उसके सामने सब डबिंग की वीडियोस आ जाएंगी, मेरे चैनल के आएंगी और के आएंगी, जो लोग डबिंग वीडियोस बनाते हैं उन सब की आएगी। तो इसमें उनकी वीडियोस भी आ सकती है जिनके डबिंग के नए चैनल हैं, जिनके चैनल पर सिर्फ 150 व्यूज़ आते हैं, उनकी वीडियोस भी इस सेक्शन में आएंगी, तो लोग उनको देखेंगे, जितना ज़्यादा वो लोग उनकी वीडियोस पर क्लिक करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल होंगी। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो लगातार बनाइए। दो बातें हमेशा याद रखिएगा, एक आपके पास होना चाहिए पेशेंस, आपके पास सब्र होना चाहिए, आपको ये मान के चलना है कि मेरी वीडियोस एक महीने में, दो महीने में, चार महीने में तो कभी ना कभी तो वायरल होंगी ही। दूसरी बात, आपने वीडियो बनाना कभी बंद नहीं करना है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो बनाना शुरू तो करते हैं लेकिन एक महीने में, दो महीने में थक जाते हैं, छः महीने में तो छोड़ देते हैं। आपको लगातार वीडियोज़ बनाते रहना है,
YouTube के इस फीचर से आने वाले टाइम में कोई जब इस सेक्शन को ओपन करेगा, फॉर एग्जांपल एक 1,00,000 लोग हैं जिनको डबिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो डबिंग की वीडियो देखने के लिए इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपकी वीडियो उस सेक्शन में आ गई, तो जो वो वीडियो लोग आपके चैनल पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते करते आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी कि आपके चैनल बूस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ वीडियो बनाते रहिए, आपको कभी ना कभी उससे पक्का मौका मिलेगा। तो दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, इस अपडेट से छोटे बड़े क्रिएटर सबको फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।